बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कभी भी कोई भी लाइट की रे अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्रेक्ट होती है, ठीक है, और वो भी अगर नॉर्मल के काफी करीब हो रही है, तो किस तरीके से उसकी एपरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से बदल जाती है। इसके हमने दो मेथड बताए थे। मेथड नंबर वन बताया था, जिसमें हमने बोला था एच अपेरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर इक्वल्स टू एच वन अपॉन म्यू वन प्लस एच टू अपॉन म्यू टू प्लस एच थ्री अपॉन म्यू थ्री प्लस एच फोर अपॉन म्यू फोर, ऐसे करके डॉट 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 करके था। दूसरा वाला मेथड बताया था, हमने कहा था कि जब आप कभी भी किसी भी एक मीडियम की बाउंड्री को क्रॉस करते हो, तो जो आपकी हाइट थी या जो आपकी लेंथ थी, वो म्यू फैक्टर से चेंज हो जाती थी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मेथड अपना लो, उससे आपके सवाल होने लगेंगे उससे। ठीक है, ये हमने दो मेथड से आपको बताया था, एग्जाम्पल्स भी कराए थे, इतना हमने आपको सिखा दिया था। ठीक है, आज वाली क्लास एग्जाम्पल्स भी खूब हो गए थे, है ना। आज वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर उसी नॉर्मल के अलोंग ऑब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जर्वर है दोनों अगर मूव कर रहे हो, तो किस तरीके से जो एपरेंट वेलोसिटी है वो बदलेगी, इसको हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम लोग सीख रहे हैं एपरेंट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, फिर फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं एपरेंट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। चलो देखो बेटा, एपरेंट वेलोसिटी क्या होती है, इससे पहले जरा एक छोटी सी प्रॉब्लम को समझ लिया जाए। हमने कहा ये है हमारे पास पानी से भरा हुआ एक वेसल, पानी भरा हुआ है, इसमें एक मछली है, मछली ऊपर की तरफ जा रही थी वेलोसिटी ऑफ फिश से, साथ ही साथ इसमें एक होल हो गया था जिससे इसका पानी बाहर निकल रहा था, और ये सरफेस भी म्यू वाटर से नीचे आ रही थी। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वाटर, इसी के नॉर्मल के अलोंग एक चिड़िया है, वो चिड़िया को भी पता नहीं क्या सूझा, वो भी उड़ रही थी ऊपर, थ्री ना लिखो इसको, वेलोसिटी ऑफ बर्ड से। ठीक है, अब सवाल ये कि इस चिड़िया को ये बर्ड किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगी, या इस बर्ड को ये फिश किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा, यही सारी चीजें हमें इस वाले टॉपिक में समझनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सरफेस और ऑब्जर्वर आर मूविंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कब करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस हम अभी थोड़ा देर पढ़ा लें, एक डेढ़ घंटा, एक सवा घंटे ही पढ़ा लेंगे, उसके बाद डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर एंड सरफेस, सरफेस कह दें, बाउंड्री कह दें, आर मूविंग। ठीक है, लेकिन ये सारा के सारा जो भी हिसाब किताब है वो बाउंड्री के अलोंग है, समझ, बाउंड्री बोलना सॉरी, नॉर्मल के करीब करीब है, नॉर्मल के अलोंग वाली बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरीके के सवाल बनेंगे, तो इस तरीके के सवालों में तुम्हें क्या करना होगा बेटा, इस तरीके के सवाल में सबसे पहले तो आप ये बेस है, आप इसको एक्सेप्ट मान लो कि भैया एक कहीं से भी कोई भी एक फिक्स जगह से हम इनकी पोजिशन के बीच के रिलेशन निकाल लें, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें उनकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिल जाएंगे। ये हो जाएगी वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ बाउंड्री, ये होगी पोजीशन ऑफ बर्ड। ठीक है, अब हमें अगर देखना था, सबसे पहला देखो ये भी पूछा जा सकता है कि इस चिड़िया को ये फिश किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखेगी, या दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि इस मछली को ये चिड़िया किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखेगी, दो सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, सबसे पहले देख लें फॉर वेलोसिटी ऑफ बर्ड बी अपरेंट ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश,
ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या, बाहर जा रहा है क्या? बस एक मिनट, खराब भी बाहर जा रहे हैं। अरे हम नहीं जा रहे बाहर यार, हम यही, हम कहाँ जा रहे हैं? स्क्रीन से नहीं यार, तुम अपने फोन को देखो, फोन में दिक्कत होगी। सर आधे दिख रहे हैं। सबको ही दिख रहा है आधे क्या? पूरे दिख रहे हैं सर। देखो यार क्या बात करते हो तुम यार, पूरे एकदम पूरे दिख रहे हैं। अरे ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, चलो ठीक है, अब ठीक है। अरे वो बाहर जा रही थी ना कॉपी, पूरी कॉपी को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फॉर बी अपरेंट ऑफ बर्ड एच सीन बाई फिश। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप सबसे पहले? तो एच अपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वर कौन है? एच सीन बाई फिश। ठीक है, एच सीन बाई फिश, तो फिश जो देख रही है, ठीक है, अपॉन म्यू वॉटर इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्स एस अपॉन वन। फिनिश्ड। प्लस एक्स बी माइनस एक्स एफ अपॉन म्यू वॉटर। बोलो एक्स बी माइनस एक्स एस। अब ठीक है सर, ठीक। अब देखो बेटा, सर इसमें आपने एक्स एस कौन सा लिखा है और एक्स बी कौन सा लिखा है? एक्स बी लिखा है किसी भी फिक्स पोजीशन से फिश का डिस्टेंस, एक्स बी है तो सर एक्स एफ है, बी माने बाउंड्री है। अरे एक्स बी नहीं, एक्स एस लिख लो बेटा, गलत हो गया है। तभी हमारे दिमाग में सरफेस चल रहा था वो। अब ठीक है सर, गलत हो गया था बेटा, वो एक्स बी दो बार आ गया था, वही कहीं कहीं दिमाग में कुछ था, कुछ और लिख दिया। ठीक है, और सर ऊपर क्या है? एक्स बी, बी बी, बी माने बर्ड, एस माने सरफेस, एफ माने फिश, यही लिखोगे? इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत लिखने में, कोई परेशानी समस्या? एच सीन बाई फिश है तो फिश किस मीडियम में है? न्यू वॉटर के में। एच अपरेंट अपॉन न्यू वॉटर प्लस वॉटर में कितनी हाइट है? एक्सएस माइनस एक्स एफ अपॉन म्यू वॉटर प्लस एक्स बी माइनस एक्स एस अपॉन वन, हवा में है ये। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर दें। अरे अब आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स एस बाई डी टी प्लस वन अपॉन म्यू वॉटर डी एक्स एस बाई डी टी माइनस डी एक्स एफ बाई डी टी। समझदार हो, खुद से देख लोगे कि डी एक्स बी बाई डी टी बर्ड की डिस्टेंस बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। कितने से? बढ़ रही है, बीबी से। डी एक्स एस बाई डी टी माइनस, अरे यार ये वी डब्ल्यू गलत लिख, वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वॉटर ना लिख के वेलोसिटी ऑफ सरफेस लिख लो इसको, वी एस। सरफेस की वेलोसिटी हो गई। डी एक्स एफ बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? फिश हमारी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ फिश से। साइन से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? देखो ये घट रही है डी एक्सएस, इसीलिए हमने साइन क्या लगाया? नेगेटिव। ये चीज बढ़ रही है एक्सएफ, इसीलिए हमने क्या साइन लगाया? पॉजिटिव। डीएक्सबी बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ये हो गए, सब उठा के यहां पे पुट कर दो। ऐसा बोल सकते हो कि डी एच अपरेंट बाई डी टी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अपरेंट। ठीक है, अब हम जो पूछ रहे हैं कि इफ बी अपरेंट इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर अपरेंट वेलोसिटी पॉजिटिव आती है
इसका मतलब यहां से यहां के बीच की अपरेंट हाइट का रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, कौन देख रहा था, फिश, तो फिश से बर्ड दूर की तरफ जाएगी, मतलब बर्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द फिश। अगर बी अपरेंट हमारा नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की, बर्ड और फिश के बीच की डिस्टेंस का रेट घटने का नेगेटिव है, इसका मतलब है बर्ड कहां की तरफ जा रही है, बर्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द फिश। बोलो करेक्ट है, समझ में आया? अब आपको नहीं दिख रहा, अब लो अब देख लो, अब तो सब दिख रहा है, लो गायब कर दें खुद को, गायब करें क्या, लो खुद ही गायब कर दे रहा। ठीक, गायब क्यों नहीं हो रहा है, फेस, अच्छा इससे ठीक, लो अब दिख रहा है सब कुछ अच्छे से। चलो देखो, लिख क्या लो इसको एक बार, आप खुद से करो इसको, चलो खुद से करो पूरा, लिख लिया इसको सर, एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं सर, क्या लेट हो गई थी क्या बेटा? नो सर, सर वो उस वक्त प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे डाल देंगे अभी इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो इधर बता दे रहे हैं, हमने ये बोला था कि जब बर्ड हो, फिश हो और सरफेस हो, जब ये तीनों मूव कर रहे हो, ठीक है, और बर्ड और फिश अलोंग दी नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल के आसपास हो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो, तो फिर इन तीनों के मूवमेंट का क्या असर होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इस बर्ड को ये फिश किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगी और ये फिश को ये बर्ड किस वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो हमने कहा कि एक काम करो भैया, एक रेफरेंस मानो, बेस को ही मान लो, यहां से एक्सएस लिखो, एक्सएफ लिखो फिश की पोजीशन, एक्सएस लिखो सरफेस की पोजीशन, एक्सबी लिखो बर्ड की पोजीशन, फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर एच अपरेंट निकाल लो, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा था फॉर बी अपरेंट ऑफ बर्ड एच सीन बाई फिश, ये फिश को चिड़िया की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, तो सबसे पहले एच अपरेंट अपॉन म्यू डब्ल्यू लिखो, पूरी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये चार टर्म आ जाए, एक्स तीन टर्म आ जाएंगी, डीएक्सबी बाई डी टी, डीएक्सएस बाई डी टी, डीएक्सएफ बाई डी टी, इन तीनों को यहां से उठा के रख दो, डीएक्सबी बाई डी टी बीवी हो जाएगा, डीएक्सएस बाई डी टी वीएस हो जाएगा, डीएक्सएस बाई डी टी वीएफ हो जाएगा, बस उसके बाद आप क्या करोगे, ये सब यहां पुट करोगे, डीएच अपरेंट बाई डी टी को बोल दोगे वी अपरेंट। हाँ, अब वो दूर होगा कि पास होगा ये डिसाइड करेगा वी अपरेंट का साइन, अगर पॉजिटिव होगा तो इस फिश से ये बर्ड दूर जाती हुई दिखाई देगी, और अगर ये नेगेटिव आता है तो फिश की तरफ आती हुई दिखाई देगी। बोलो, आई होप समझ गए होगे इस बात को जो भी हमने बोली है, ठीक है, लिख भी लिया होगा, लिख लिया है सर? रुक जाइए, चलो डाल तो दे बेटा सारे वीडियो यूट्यूब पे, अंकुर कह रहा है वीडियो डाल दो सारे यूट्यूब पे, बेटा सारे बने ही नहीं है, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ये काम, ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये काम, हम डाल दिया करेंगे फिर, ठीक है। यस सर, ये वाला डाल दीजिएगा क्योंकि आज नेटवर्क वीक है सर इधर का। चलो ठीक, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन नेटवर्क वीक होने का मतलब भाग नहीं जाना तुम, ठीक है, यहाँ रहो, हमारा हौसला बढ़ाओ यार वीडियो। यस सर, यस सर, ठीक है, हाँ रहो, जितना जैसा समझ में आया हम कोशिश करेंगे डाल दें, ठीक है सर। वी एस नेगेटिव क्यों लिया था सर? वी एस नेगेटिव हमने इसलिए लिया था क्योंकि सरफेस डीएक्सएस बाई डी टी है, डीएक्सएस बाई डी टी क्या है, सरफेस की पोजिशन घट रही है ना, ये रेट घट रहा है ना,
तो ये Vs नीचे की तरफ था तो ये नेगेटिव इसी ले लिया क्योंकि ये घट रहा था। ठीक है, बात आ गई समझ में? नहीं सर। अबे dxs by dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सरफेस की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बोलो। ये पोजीशन जो है सरफेस की, इसका रेट बढ़ रहा है घट रहा है? सरफेस नीचे आ रही थी, बर्ड ऊपर जा रहा था, फिश ऊपर जा रही थी, इसीलिए इसे पॉजिटिव लिखा था। सरफेस नीचे आ रही थी इसीलिए इसका रेट नेगेटिव लिखा था। समझ में आई बात? समझ गया सर। अच्छी बात है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, एक सवाल चलो करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल कुछ इस तरीके का है, अच्छा दो सरफेस होती, तीन होती, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ये सब बना लेते और कर लेते, कोई उसमें कलाकारी होशियारी नहीं है। देखो फॉर्मूले बहुत सारे किताबों में घूम रहे हैं, अरिहंत हैं, तमाम सिंगेज हैं, सब में घूम रहे हैं, लेकिन वो सब में पचासों तरीके के पचड़े हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक्स एफ एक्स बी मानो, फटाफट जो कर डालो क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, सब चीजें बहुत सिक्वेंस में है। न्यू इक्वल्स टू 4/3। ठीक, इधर पानी बरस रहा था कुछ कुछ, तो इसकी सरफेस ऊपर जा रही थी 2 cm/s से। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। चलो करो। सर सब सेंटीमीटर पर सेकंड में? सब सेंटीमीटर पर सेकंड में, बिल्कुल। हाँ बेटा बोलो। The minus 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहाँ की तरफ, चिड़िया की तरफ या चिड़िया से दूर? सर टुवर्ड्स टुवर्ड्स द बर्ड। चलो देखते हैं कोई और। The minus 8.5 -8.5 मतलब चिड़िया की तरफ 8.5 से। अच्छा एक मिनट, हमने इसमें ये नहीं बनाया, इधर पे वो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 का, ये पानी भरा है नीचे।
मछली जल के, मछली जल की रानी है, जल में रहेगी ये, ठीक है। म्यू की वैल्यू 4/3 है नीचे, भले ही नहीं बना यहाँ बनेगा 4/3, ठीक है, लिख दिया था। -8 उत्कर्ष का आया है -8, मतलब 8 cm/s टुवर्ड्स द बर्ड। लेट्स सी, देखते हैं, पता नहीं सर, -10.4 देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, जो आपने बताया। चलो देखो बेटा, सबसे पहले बिना कोई देर लगाए खटखट तुरंत तुरंत ऐसे बना लिया करो, एक्सेप्ट एक्सेस एक्सपी, तीनों बन गए। अब इसमें कौन देख रहा है, एच सीन बाई बर्ड, चिड़िया को देखना है ना, तो एच अपरेंट अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बर्ड न्यू, एक्सबी माइनस एक्सेस अपॉन 1, एक्सेस माइनस एक्सेप्ट अपॉन 4/3, ठीक, कर दो इसको डिफरेंशिएट। डी एच अपरेंट बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्सेस बाई डी टी प्लस 3/4, डब्बा लगाओ इधर पे, डी एक्सेस बाई डी टी माइनस डी एक्सेप्ट बाई डी टी। अब देखो डी एक्स बी बाई डी टी कितना होगा, ये -2 होगा है ना, माइनस लगा के डी एक्सेस बाई डी टी +2 +3/4 डी एक्सेस सरफेस +2 माइनस फिश +8 कितना आ रहा है बेटा ये सर, तो -8.5 टोटल आ रहा है टोटल, इसकी बात मान ले सही, ये 3/2 आ जाएगा यहां से 3/2 8 × 4 = 12 नहीं 4 × 8 = 6 9/2 आ जाएगा सर, 10 में से आधा चला, 10 में से कितना चला गया ये 1.5, तो 8.5 8.5 मतलब 17/2 8.5 बोलो, इत्तेफाक रख रहे हो हमारी बात से, जब आप लिखोगे वी अपरेंट तो वो कितनी हो जाएगी 8.5 cm/s टुवर्ड्स द बर्ड। बोलो बेटा आ गया था सही, हाँ सर, बहुत अच्छी बात, चलो आगे बढ़े। बताओ बेटा आगे बढ़ा जाए, सर मुझे एक चीज सर पिछले वाले पेज में बता दीजिए सर, जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है लास्ट पेज में, ये देखो बेटा जब ये नेगेटिव हो, इसी की बात कर रहे हो क्या, हाँ सर, अपरेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव, मतलब इनके बीच का सेपरेशन समय के साथ बढ़ रहा होगा। तो भैया जब कोई भी चीज देखेगा, आप देखते हो तो आप रेस्ट पे होते हो ना, आपको दूसरी चीज का रेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब वो दूर जाती हुई दिखाई देगी, और अगर वो नेगेटिव होगा तो आपके रिस्पेक्ट में वो चीज पास आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस का रेट घट रहा है। बोलो करेक्ट है, ओके सर, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखें, इसी में लगे हाथों बेटा, हम दूसरा पार्ट इसका पूछ सकते हैं क्या, कि फाइंड बी अपरेंट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो -11.33
देखते हैं। हमारे हिसाब से बेटा एक बार जिनका नहीं आया है सही वो पूरा लिख लें बेटा एक बार। चलो ठीक, अचित्रा का अच्छा 7.33 देखते हैं बेटा। चलो बेटा किया इसको पूरा देखें हम। ऑब्जर्वर कौन है? एच सीन बाई फिश। फिश का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3 इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्सएस अपॉन 1। इधर वाली चीज तो सेम ही रहने वाली है। इधर जो कुछ भी था उसकी वैल्यू कितनी है? अबे लो, इधर जो कुछ भी लिखोगे इसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी? -8.5। वैसे 8.5 को लिख सकते थे 17/2, तो 17/2 था, 2 से 2 कट जाएगा, 17 × 2 34/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एपरेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 34/3, वो भी आई है माइनस साइन के साथ। माइनस साइन का मतलब होता है टुवर्ड्स द फिश। आ गया था सही? हाँ सर। चलो बाकी कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रही हो ये बात तो बताओ। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रही हो? निहाल क्या दिक्कत है बताओ बेटा, वॉल्यूम खोलो और समझाओ अपनी बात। सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्ट -8.5 कैसे? अरे बच्चा इधर वाली पूरी चीज सेम ही तो है। जो चीज यहाँ लिखी थी अगर आप ध्यान से देखो, जो चीज यहाँ पे लिखी थी वही चीज ये लिखी हुई है। यहाँ इसको डिफरेंशिएट किया होता तो यही चीज आती, फिर उससे पुट करके यही चीज निकालते, फिर यही चीज आती, फिर यही चीज यहाँ रखते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट रखो, हम ये कह रहे हैं कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो और उसके बाद निकालो। पीछे है मैदान, समझे? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, बोलो
हो गया, समझ में आया ये बात? हम नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मानो, हम तो ये कह रहे कि आप इसको सॉल्व करो और पूरा के पूरा खुद से निकालो। ठीक चलो, ठीक है सर। अब इसमें नेगेटिव आया तो सर उसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव आया इसका भी मतलब है देखने वाला कौन है, फिश। तो फिश को तो ये फिश की तरफ आ रहा है। हाँ, फिश को ये चिड़िया अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो। अबे हम इसलिए नहीं किए मल्टीप्लाई, एच अपरेंट अपॉन 2/3 आया था ना, इसीलिए किए इसमें। समझे प्रियांशु? हाँ सर, समझ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो इस टाइप के सवाल बनने लगे। अगर इसमें एक सरफेस भी दी हो, दो सरफेस दी हो, तब भी इसी तरीके का करके देख लोगे आप, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलो बेटा। अरे बताओ यार। चलो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। अभी हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन को हमें जब पढ़ना होगा तो रिफ्रैक्शन को हम सबसे पहले दो तरीके से पढ़ेंगे, एक प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन को भी दो हिस्सों में देखेंगे, एक ऐसा जिसमें नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो, मतलब नॉर्मल के काफी करीब करीब लाइट जा रही हो, और दूसरा लाइट नॉर्मल से थोड़ा दूर या जनरल रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो हमने नियर नॉर्मल इंसिडेंस देख लिया, अब हमारी कोशिश है कि हम जनरल रिफ्रैक्शन को देखें कि जब इसका इन जनरल, जब जनरल केस होगा तो किस तरीके से सवाल वगैरह बनेंगे, अब हम इसको देखें। ठीक है, तो देखो बेटा इसके सवाल कैसे बनते हैं, इसके सवालों में जो स्टेप्स हैं, ठीक है, फॉर जनरल रिफ्रैक्शन। जनरल रिफ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे भैया? जनरल रिफ्रैक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप केवल रे डायग्राम बनाते हो, साइन आई को ऊपर से और साइन आर को नीचे से रिलेट कर देते हो और अपने आप सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके स्टेप्स अगर हम बोलें, ड्रॉ रे डायग्राम, ये स्टेप्स हैं। सेकंड, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, अप्लाई म्यू वन साइन आई वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू। बोलो समझ में आया? करेक्ट है। अब साइन आई वन और साइन आई टू ज्योमेट्री से रिलेट कर लो। कैन बी कैलकुलेटेड बाय ज्योमेट्री, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से रिलेट हो जाएंगे। समझने में भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो लिखा हुआ है ये सब स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं और इसके सवाल कैसे बनते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने बोला एक पानी से भरा हुआ ऐसे एक वेसल था, मतलब एक पानी से भरा हुआ कुछ था, इसमें एक एल लेंथ की लाठी गड़ी हुई थी। ठीक है, इस लाठी का ये है कि एल हिस्सा ऊपर था, ठीक, और एल ही हिस्सा नीचे था। एल हिस्सा ऊपर, एल हिस्सा नीचे, रेड कलर नहीं दिखता है, ये गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, ओके। एल हिस्सा ऊपर, एल हिस्सा नीचे, ठीक है, और इस पे सूरज की किरणें आ रही थी पैरेलल। ये एंगल था 45 डिग्री का, म्यू इक्वल्स टू 4/3 है। सवाल ये है कि जैसे ही ये इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में आएगी, पानी में जैसे ही एंट्री करेगी,
म्यू ही ले लो, चलो 4/3 हटा दो, म्यू है इस वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू का। तो जब ये इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में आएंगी लाइट की रे तो कुछ बेंड हो जाएंगी, बेंड होके शेडो कुछ छोटी बनेगी। क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ द शेडो, ये एग्जांपल जीरो है। इसके सवाल ऐसे ही बनते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ द शेडो। लेंथ ऑफ शेडो बताओ, बोलो। सर क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए सर। क्वेश्चन ये है कि एक पानी से, एक पानी भरा हुआ था किसी, कोई भी मतलब ऐसा हो सकता है कि एक तालाब था, तालाब में एक लाठी गड़ी हुई थी 2L लेंथ की, आधी पानी के अंदर थी आधी पानी के बाहर थी। दिन के बजे होंगे 10:30-10:30-11 के आसपास का, 9:30-10 के आसपास का टाइम था। लाइट 45 डिग्री के एंगल पे पड़ रही थी सूरज से, ठीक है। तो आपको बताना था कि इस खंबे की शेडो की लेंथ क्या होगी, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से यार, ये रेड कलर हमें लगता बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या, रेड कलर तो रेड कलर जैसा लग ही नहीं रहा, दिख रहा है। रेड जैसा ब्राउन कलर लगता है क्या, दिख रहा है सर, डिफरेंस दिख रहा है दोनों, ब्राउन हल्का सा ब्राउन टाइप का दिख रहा हो। अरे चलो कोई बात नहीं यार, काम चलना चाहिए क्यों, बस चलो खुद से सॉल्व करोगे, हम करा दे सवाल को सॉल्व, हम कराएंगे तो फिर एक सवाल फिर आपको करना पड़ेगा। कर रहे सर, करो करो करो, कर लोगे तुम लोग, भरोसा है हमें। म्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे म्यू मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मानवी लास्ट लाइन में लिखा फाइंड लेंथ ऑफ शेडो, हाँ। तो सवाल पे पहुंचे, सर L प्लस अंडर रूट L स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 देखते हैं बेटा। चलो निहाल का आया, और किसी का आया, बस सर एक मिनट और लगेगा। चलो चलो दिया है, एक मिनट नहीं, हमने आपको 30 सेकंड दिए, करो जल्दी फटाफट।
चलो मान भी कह रहे सर मेरा भी इतना ही आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक होगा तो सही होगा फिर, अभी देखते हैं, हमें पता नहीं है कितना आ रहा है। चलो समय हो गया बेटा, देखो एक जो लाइट की रे इसको जस्ट बिना छुए आ रही होगी, यहां तक तो वो बड़ी सहूलियत से चलती चली आएगी, लेकिन जैसे ही ये वाली सरफेस मिलेगी, सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाना था, अरे वो ऊपर चला गया, ये लिखा था ना ड्रॉ रे डायग्राम, तो सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाना था, फिर ये वाला लगाना था म्यू वन साइन आई वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू, और फिर उसके बाद साइन आई वन और साइन आई टू को डायग्राम से रिलेट कर लो, ज्योमेट्री से रिलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बात बन रही बेटा, ये वाला एंगल अगर 45 है तो हमारे हिसाब से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब ये ऐसे करके झुकेगा क्योंकि ये है रेयरर, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, ये एंगल बोल दिया आर, हमारे हिसाब से ये वाला एंगल एल होगा, ये वाली लेंथ एल होगी, किसी को आपत्ति हो तो बताओ, ये 45 था ये भी 45 होगा, 90 डिग्री ये था ही था, तो ये एल, तो ये वाली लेंथ भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये एक्स और पता चल जाए तो बात बन जाएगी। फटाफट फटाफट आप लगाओ इसमें म्यू साइन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसमें लगाया हमने म्यू साइन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन बोलो आर, इधर से आया 1/√2, विजिबल है सर, म्यू की जगह म्यू रहने दिया, साइन आर कितना हो जाएगा बेटा, साइन आर हमारे हिसाब से एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब इसको होल स्क्वायर कर लो, ये दिख रहा है ना सब लोगों को, यहां तक हो चुका था ना, चलो लगे यहां तो यही कर दे रहे फिर, ठीक है ज्यादा अच्छा। ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई आपत्ति हो इस पे तो बताओ, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई एल अपॉन अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो जो लेंथ हो गई लेंथ ऑफ शेडो दैट मस्ट बी एल प्लस एल अपॉन रूट अंडर 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1, बोलो मेरा कॉस आर के टर्म्स में आ रहा था, आर क्या है ये आर बार, देखो बच्चा जो चीज नहीं दी गई है उसके टर्म में आंसर आप कैसे दे सकते हो, बोलो हम इससे तो फिर बढ़िया पता दुनिया का हर सवाल का आंसर हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू आंसर के हिसाब से निकाल लो, k की वैल्यू आंसर पे डिपेंड करती है, क्यों बेटा दुनिया के हर सवाल का जवाब हो जाएगा इसमें, एक अननोन वेरिएबल मान लो k जो कि आंसर से निकलेगा, समझे, अननोन के टर्म में नहीं बता सकते हो बेटा। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें, दिया जाए एक क्वेश्चन और, चलो इसको करो, ये जनरल वाले हैं, जनरल रिफ्रेक्शन के सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, ठीक है, अब जेई में आया हुआ था तो तुम जो है वो ऐसा ना सोचना कि जेई में आया था तुम इससे जो डर जाओ, डरने वाला नहीं है सवाल, बहुत इजी है, पता नहीं यही आया था या कोई दूसरा था, पता नहीं, ठीक ही यही होगा, ये आ गया, मतलब ये वाला ए वाला पॉइंट दिख रहा था, ठीक बता गई समझ में। अब ये कहा जा रहा है वाटर इज फिल्ड, मतलब जब इसमें कुछ नहीं भरा हुआ था तो यहां पे एक आंख लगी हुई थी, उस आंख को ए वाला पॉइंट दिख रहा था,
अब जब इसमें इफ वॉटर इफ इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू अ हाइट एल, इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू अ हाइट एल, ठीक नाउ एल की टू एल, अरे मतलब टू एल तक, हाँ सॉरी, नाउ इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू अ हाइट टू एल, नाउ आई मतलब आंख वाला आई कैन सी पॉइंट बी, नाउ आई कैन सी पॉइंट बी, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल। सब में क्वेश्चन एक, सब में तरीका एक ही है बस जो बताया अभी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि कुछ नहीं भरा था इसमें, इफ द वेसल इज एम्प्टी देन आई मतलब आंख वाला आई कैन सी पॉइंट ए, इफ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज फिल्ड अप टू अ हाइट टू एल, नाउ आई आंख वाला आई कैन सी इमेज इमेज ऑफ बी, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल। जब भी कभी ऐसे सवाल मिले तरीका एक ही है, रे डायग्राम बनाओ, म्यू साइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाओ और कृपा आ जाएगी। चल ये मतलब एक आंख के पहले तो ये है ना, क्या बेटा मीडियम जिस आई आई रखी हुई है वो एयर है ना, हवा है, वो हवा है, वो तो हवा है। याद नहीं आ रहा ऐसी कुछ था सवाल, कुछ मतलब मिलता ही जुलता था इससे। सर रूट फाइव अपॉन टू देखते हैं, ठीक जैसा लग रहा है। किसका आया आंसर बेटा? उत्कर्ष। उत्कर्ष, चलो ठीक। सर रूट फाइव, रूट फाइव देखते हैं। देखो बेटा अगर इसमें कोई भी लिक्विड भर दोगे तो रिफ्रेक्शन कहां से होगा, फिर यहां से होगा कि नहीं होगा, बोलो।
जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो यहीं से, जो रिफ्लेक्टेड रे वो यहीं से जाएगी और आएगी कहां से, यहां से। ये नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं बेटा बोलो, ये वाला एंगल हो गया आई वन, ये वाला एंगल हो गया आई टू। बस अब आपको क्या लगाना है, इसमें जो पानी या लिक्विड दूसरा भरा गया था जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू था, म्यू वन ना लिख के म्यू साइन आई वन इक्वल्स टू वन साइन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हम क्यों लिख रहे हैं बेटा, इससे कोई किसी को एतराज? 45 इसीलिए आई टू की वैल्यू है, आई टू हमारा जो है वो 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी देखो, ये देखो आई टू वही तो है, ये लेंथ भी एल थी, ये लेंथ भी एल है। अबे ये डायमीटर एल दिया गया था ना इस वेसल का, तो ये भी एल है और ये भी एल है, ये 45 था, ये भी एंगल 45 होगा। अब यहां तक ठीक है, म्यू भी निकालना है। साइन आई वन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? साइन आई वन हमारे हिसाब से एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन टू एल का होल स्क्वायर है। कैसे बेटा? ये आई वन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूस, ये कितनी आ जाएगी? एल स्क्वायर प्लस टू एल का होल स्क्वायर। बोलो यहां से दो चार और एक पांच, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? रूट अंडर 5/2। जिनने एरर करी थी, जिनने कुछ भी गलती करी थी, उन्हें समझ में आया अपना मिस्टेक? चलो, अरे सॉरी, देख लो इसको, फिर हम आगे चले। साइन 45 को वन नहीं ले लिया हमने, साइन 45 को वन बाई रूट टू ही लिया। अच्छा, तुमने ले लिया था वन, कोई बात नहीं। बिना तुम्हारा कितना आया था? बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? और ले एक आध क्वेश्चन कहो तो, या अगले वाले टॉपिक पे बढ़ जाएं? सर एक और चाहिए। चलो देखो, देखें यार, देखो सवाल हमें एग्जैक्ट नहीं याद है, हम रेफरेंस बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से है ये, ठीक है? मतलब हो सकता है आंसर यही हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, कॉन्सेप्ट इसी पे ही है। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं नेक्स्ट वाला, वो इंस्पायर्ड है एच सी वर्मा के क्वेश्चन से, ठीक है, और हमें बड़ा पसंद है। तो वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर कोई एक वेसल है इस तरीके का, वर्मा भूल गए यार, साल भर हो गई इस सवाल को देखे हुए बेटा। ये सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, बात आ रही समझ में? सिलिंड्रिकल वेसल है और इसमें हो क्या रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। चलो एक काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा डेटा, तो हम अपने मन से बना ले रहे हैं। ये था यहां से एक सिलेंडर है, हाँ 80 सेंटीमीटर इसका बेस था, ठीक, तो सिलेंडर है ये, हाँ हाँ बेस का डायमीटर था ये, हाँ सिलेंडर है बेटा, ठीक। 80 सेंटीमीटर इसका बेस का डायमीटर था, ठीक। अब और ये हाइट थी यहां से यहां तक की, वो भी थी 80 सेंटीमीटर, ठीक है।
बोलो क्लियर है। यहाँ पे अरे यार ध्यान नहीं आ रहा है, तो चलो अब जो सवाल है हम अपने मन से ही बना दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पे एक आंख लगी हुई है। अरे यार थोड़ा बहुत आंकड़ों में न फंस जाना तुम यार, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई किसी ने दूरबीन वूरबीन कुछ ऐसा या कोई एक ऐसा एक नली फिट कर रखा था, उस नली में से जब देख रहे थे तो ए वाला पॉइंट दिख रहा था, ये ए वाला पॉइंट था यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एक लिक्विड को 40 सेंटीमीटर तक भर दिया जाए, ठीक है, इफ वाटर इज फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर तो इसको बी वाला पॉइंट दिखने लगता है, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि इफ वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट 40 सेंटीमीटर, वाटर ना लिखो, इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर, मतलब उसी जैसा है सवाल, एकदम डेटा आंखों से उतर गया। इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर देन आई कैन सी पॉइंट बी, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। यार पता क्या था, वो सवाल एकदम एग्जैक्ट बता रहे, सवाल जो एचसी वर्मा का था वो कुछ ऐसा था, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये बोला गया है कि किस हाइट तक पानी भरे, ठीक है, रुको क्वेश्चन को बदल लो बेटा, अभी ना करो इस क्वेश्चन को ना करो, रुको, क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, ये सवाल भी कर सकते हो, चलो तुम्हारी मर्जी है, कहो तो ये सवाल भी एकदम सही है, 100% सही है, पहले इसी को कर लो, चलो फिर हम एक क्वेश्चन और दे देंगे, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट इसको ले लो, इसको ही कर लो, फिर हम अगला वाला सवाल दे देंगे, चलो करो इसको पहले, ये कटा हुआ नहीं है, ये सही है सब। इफ अ लिक्विड इज फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर देन आई कैन सी पॉइंट बी, फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बोलो। नहीं बात तो सही है, एचसी वर्मा है तुम्हारे पास, तुम सवाल ही, चलो यहाँ पर है सर एकदम से भूल गए, चलो देख लेते हैं बेटा, अभी देख ले रहे हैं, तब तक आप इस सवाल को करो, तब तक हम एचसी वर्मा देख ले रहे हैं, आप सवाल करते रहो, हम देख लेंगे उसको। हाँ देखो बेटा, इसको ये कह रहा है कि अगर एक लिक्विड को 40 सेंटीमीटर तक भरा जाता है, बेटा सॉरी 40 सेंटीमीटर तक भरा जाएगा, तो मतलब यहां तक भरा जाएगा लगभग, पता नहीं कहां तक हो, सी से इधर है या उधर है ये नहीं पता है हमें, ये पता है कि इसको हम मान ले रहे हैं चलो आई, और इसको मान ले रहे हैं आर, ठीक है। सवाल हो सकता है कि जो आपने किया हो उसमें हो सकता है कुछ एरर हो, ठीक है, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने इसको आई बोला, इधर आर बोला, ठीक है। लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू भर दें, 40 सेंटीमीटर तक भरा, तो म्यू साइन आई इक्वल्स टू, बोलो बेटा, न्यू साइन आई इक्वल्स टू 1 sin r। साइन आई कैसे निकलेगा बच्चा, साइन आई निकालने के लिए अभी हमें आइडिया नहीं है। देखो आप हो सकता है ये मिस्टेक कर रहे हो कि इस वाले को आपने जो सेंटर मान लिया हो, कितने लोगों ने मान लिया था इसको सेंटर, सर पॉइंट निकाला था सर पहले, वेरी गुड, इंसिडेंट कर रहा है ये 80 पे, ये कितना था 70, ये 80 थी, 80 पे ये कितना था 70, ये कितनी है 40, 40 पे ये कितना होगा 35, तो ये भी कितना होगा 35, क्या कहते हो बेटा बोलो। और जब ये मान लिया था तो कुछ इस तरीके से जा रही थी ये रे, तो साइन आर निकालना है, साइन आर के लिए क्या बोलोगे, साइन आर के लिए ये 35 है, ये 40 है, साइन आर कितना हो जाएगा बेटा, साइन आर हमारे हिसाब से ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन रूट अंडर 35 का होल स्क्वायर प्लस 40 का, म्यू को म्यू ही रहने दो,
साइन आई कैसे निकलेगा बच्चा? साइन आई के लिए ये कितना था 35, ये कितना बचेगा? 35 में से ये 20 चले गए, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी हो गई? बीसी, बीसी नहीं कुछ भी, इसको डी वाला पॉइंट मान ले रहे, तो बीडी की वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 35, ठीक है, तो 30 20 50 50 25। आपने साइन आर की वैल्यू इतनी कैसे रखी है? एक मिनट बता रहे हैं बेटा, हाँ बताओ अब क्या कह रहे थे बेटा, साइन आर की वैल्यू ये कैसे रख दी बच्चा? एक बार बताओ, जब ये पूरा यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक पूरा देखो, हाँ सर, ये कितना था? 70 था। जब ये 80 था तब ये कितना था? 70। जब ये 40 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 35। हाँ सर ठीक, ये 35 अपॉन 35 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये साइन आर हो गया। साइन आई कैसे निकालोगे? अब ये 35 इधर से चला गया, इधर से 20 चला जा चुका था, बचा कितना? ये 25। बोलो 25 बचा कि 15 बचा यार? 15 बचा यार, पच्चीस है ना? ठीक ठीक ठीक, 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ऊपर 25। बोलो क्लियर है बात? यहां से म्यू निकल के आ जाएगा, बोलो करेक्ट है? चलो अब देखो, एक एचसी वर्मा का सवाल लगाओ, हमारा मन है उसको यही करो आप, चल लगाओ उसको। सर और इस साइड कर दीजिए, सर बड़ा नहीं करना है सर, और इस साइड करना है, इधर की तरफ क्या रहे हो का? हाँ सर बस बस बस, तो इधर इधर क्या है कुछ? सर दिख नहीं रहा था सर। हाँ सर दिख नहीं रहा था, चलो कोई बात नहीं, तभी तुम हमसे कह रहे थे कि सर आप कटे कटे दिख रहे हो। हाँ सर अभी भी दिख रहे हैं, अभी भी कटे कटे दिख रहे हैं, अबे तो सही करो यार, ये तो गलत बात है यार, अबे ये क्यों नहीं जा रहा यार? अच्छा गलत बटन दबा रहा है। चलो विजिबल है ना कोई आंखों पे, मतलब छोटा तो नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है? हाँ सर। चलो करो अब इस सवाल को, क्या कह रहे थे बेटा बताओ? सर 20√2/3। 20√2/3, कोई और आंसर बताओ? सर 10√23 अपॉन में √23-3। चलो देखते हैं, कोई और आंसर? सर एक मिनट थोड़ा गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं है, देखो √5/3 चलो देखते हैं। देखो सवाल ये कह रहा है, a cylindrical vessel whose diameter and height both are equals to 30 centimeter is placed in a horizontal surface, इसमें particle piece is 5 centimeter from the center, ठीक है, चलो देखो सवाल ये है कि सवाल ये कह रहा है कि एक वेसल है इस तरीके का, 30/30 इसकी हाइट है, हमें बताते जाना बेटा,
सेंटर से इधर पे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है, हाँ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कुछ ए, पहले आंख देख रही थी यहां तक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितनी हाइट तक पानी भर दिया जाए ताकि इसको ए वाला पॉइंट दिखने लगे, ठीक है। तो हमने कहा लेट सपोज यहां तक भर देगा, यहां तक भर देगा तो लाइट यहां से आने वाली फिर फर्दर यहां की तरफ जाने लगेगी। इसको बना ले हम नॉर्मल, इसको बना दिया आई, इसको बना दिया आर, यही है। क्यों बेटा, यहां पे पानी भरा है तो पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, लिखेंगे 4/3 साइन आई इक्वल्स टू 1 साइन आर। साइन आर तो हमें पता है, आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। अबे ये आर और ये आर है तो सेम ही, ठीक है यार। यहां से ये कितना था 30, यहां से भी 30, तो आर की वैल्यू तो 45 थी, तो 1 sin 45 degree। यहां से लिखा 4/3 साइन आई कहां से लाएंगे, साइन आई कहां से लाए बोलो यार। सर वो सेंटर पे ही जाएगा? नहीं जाएगा सेंटर पे, सर सेंटर पे माना है, सेंटर पे माना है तो गलत माना है। सेंटर पे नहीं आएगा ना बच्चा, कितनी हाइट तक सेंटर से ही आएगा? नहीं नहीं जाएगा, क्यों जाएगा सेंटर से, कोई जरूरी है? हाइट नहीं पता ना। हाँ तो सेंटर से क्यों जाए, हम एच मान ले रहे हैं ना उसको यार, ये मान ले रहे हैं कि एच हाइट तक भरा जाएगा पानी, यही तो निकालना है कि हाइट तक भरा जाए ताकि ये दिखने लगे। बताओ हाँ या ना, एक बात बताओ बेटा। सर क्या आर आई के बराबर हो सकता है वर्टिकल अपोजिट एंगल से? आई आर के बराबर कैसे हो सकता है बच्चा, आई अलग है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है, ये बराबर बराबर है। अच्छा हाँ यस यस, ठीक है वो 45 हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। और बात समझ रहे हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि सेंटर से जाएगा तो एच की वैल्यू डायरेक्ट मान लो 15 सेंटीमीटर, फिर तामझाम क्यों कर रहे है? ये 45 डिग्री का है एंगल, तो 45 है तो ये जो है वही ये भी हो जाएगी। बोलो अगर ये एच है बच्चा ये कितना हो जाएगा, हमारे हिसाब से ये हो जाएगा आपका 30 माइनस एच, ये 30 माइनस एच, तो ये वाली भी हाइट कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच। अरे हाँ या ना बोलो यार, इसको आप अगर b मान ले रहे थे तो ab कितना होगा, थर्टी, ये 10th हाई था, प्रॉब्लम में गिवन था कि a वाला पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर इधर है, तो 15 था इसका रेडियस, 5 इधर चला गया 10 बचा, तो ab इक्वल्स टू 30 बोलो माइनस, वैसे तो यार खुद ही देख लो यार, चलो कोई बात नहीं तुम लोगों के उसके लिए कर रहे हैं, 10 + 30 - h, बोलो करेक्ट लिखा है ये, तो ab की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ गई, 30 से 30 गए h माइनस 10 सेंटीमीटर। बस अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, 4/3 आपने लिखा है, साइन आई आपको निकालना है, साइन आई कितना हो जाएगा, एच माइनस 10 अपॉन अंडर रूट एच माइनस 10 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। अब होल स्क्वायर कर दो इसका, एच माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन एच माइनस 10 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 इंटू हाफ। पूछना नहीं कहां से आया, ठीक है।
अबे सब कर लिया, तिकड़म बिकड़म कर ली, इसको होल स्क्वायर कर लिया, इसका 16 बाई 9 किया, 9 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया, ठीक। अब देखो बेटा, अब दाएं बाएं ले जाएं, तो यहां से कितना आया, 32h माइनस 10 का स्क्वायर 9, h माइनस 10 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर, 32 में से 9 गए, कितने बचे बेटा, 23। अब तो हो जाना चाहिए यार, अब तुम्हारे ऊपर है, अब आप कर डालो, ठीक है, बोलो आ जाएगा अब तो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बताओ, जिसका सही था वो बहुत अच्छी बात, और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये वाला पॉइंट यहां पे आके सेंटर से पास होगा तो वो गलत सोच रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या बोला, ये वाला, इधर से नहीं बता सकते, उंगली से ही बता सकते हैं, किसी को लग रहा है कि ये वाला पॉइंट अगर सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला बी वाला, बी और सी सेम है, तो वो गलत सोच रहा है, ठीक है, अगर किसी ने सेंटर से पास करा, सर ये नीचे 30 माइनस एच कैसे है बता दीजिए फिर से, कहां पे 30 माइनस एच, हमने थोड़ी निकाला, अब एक बात बताओ ये एच है, ऊपर वाला कितना होगा 30 माइनस एच, अबे एच हाइट तक अगर पानी भरोगे तो ये पूरी हाइट कितनी थी 30 थी, एच चली गई तो इधर कितनी बची 30 माइनस एच, ये 30 माइनस एच है, ये 30 माइनस एच, तो ये वाला बेस कितना होगा बेटा, ये वाला बेस कितना होगा बेटा बोलो, 30 माइनस एच, ये 30 माइनस एच है, और ये दिया गया था कि ए वाला पॉइंट इस तरीके से कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, तो इधर से पेरिफेरी से कितना अंदर होगा 10, बोलो, तो 10 ये चला गया, 30 ये चला गया, अब ये कितना बचा, एच माइनस 10 नहीं बचेगा क्या, ए बी की वैल्यू एच माइनस 10 नहीं आएगी, ये सर समझ गए। चलो तो आज फिर अपन लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, इतना ही रखें बेटा, बताओ बोलो क्या कहते हो, आपकी दूसरी भी क्लास है ना अभी, हाँ, और जो टेस्ट होने वाला है, एक टेस्ट है, पता है कि नहीं आप लोगों को, अनाउंस हुआ है, नहीं सर, नो सर, कमाल करते हो यार, टेस्ट कैसे नहीं अनाउंस हुआ, नहीं हुआ सर, टेस्ट नहीं अनाउंस हुआ, नहीं हुआ सर, अबे तो तैयार रहो, पूरा रिफ्लेक्शन उस टेस्ट में है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का टेस्ट है, बहुत जल्दी होगा, ठीक है, चलो एक काम करें, फिर आज हम इसको यहीं पर रोकें।